निरहुआ बोले अखिलेश की भगवा से नफरत, कृष्ण में खून के आंसू रोए होंगे जब तुष्टिकरण की राजनीति के लिए राम भक्तों की जान ले ली। भोजपुर में हार की खबर सुनते ही प्रत्याशी की हालत बिगड़ी, परिणाम आते ही मतगणना केंद्र में हुए बेहोश, गंभीर हालत में आरा सदर अस्पताल में कराया गया इलाज। बक्सर में संदिग्ध अवस्था में कपल को आरपीएफ ने पकड़ा, दोनों रिश्ते में मम्मी ने भाई बहन, शादी करना चाहते थे परिजन नहीं माने तो घर से भागे। कंगना के खिलाफ सरसा कोर्ट में शिकायत दर्ज, सोनबरसा के पूर्व विधायक ने दर्ज कराया मामला, कोसी के वीर योद्धाओं के अपमान का आरोप। गोपालगंज में मासूम के साथ दर दर भटक रही माँ, पति पर अवैध संबंध कर लगाया आरोप तो ससुराल वालों ने घर से निकाला। बसों का किराया बढ़ने पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दी सफाई, कहा कई सालों से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी इसलिए किराया बढ़ाया गया है, इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए। सॉल्वर गैंग का सरगना पीके अब तक फरार, वाराणसी पुलिस ने रखा 1,00,000 का इनाम, बिहार से त्रिपुरा तक हो रही तलाश। जीत हनुमान जी की बहू का लालू फैमिली पर हमला जारी, रोहिणी के बाद अब तेजस्वी को कहा लबड़ा। रोहतास में संदेहास्पद स्थिति में मिली युवक की लाश, परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई, मर्डर और सुसाइड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बेतिया में गड्ढे में जागरी कार, 7 लोग घायल, संतुलन बिगड़ने से पलटी कार, एक की हालत गंभीर, पटना किया गया रेफर। नालंदा में दो गुटों के बीच गोलीबारी, सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, एक को गोली लगी। 20 केजी गांजा के साथ दो तस्कर धराए, सप्लाई देने यूपी जा रहे थे दोनों, बक्सर में रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने दोनों को पकड़ा। समस्तीपुर में बाइक से टकराई बोलेरो, किशोर की मौत, अनियंत्रित होकर पास खड़े ट्रक से जाकर भरी गाड़ी, 8 लोग घायल। नालंदा में मरीज की मौत के बाद हंगामा, 2 दिन पहले निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती, डॉक्टर की अनुपस्थिति में हुई मौत। समस्तीपुर में प्रत्याशी की मौत होने से चुनाव स्थगित, सिंगिया में जीत प्रत्याशी बीबी कुमारी की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान दरभंगा में गई जान।